तो दोस्तों, अपनी किसी भी समस्या के समाधान के लिए तुरंत कांटेक्ट करें राधेश्याम अघोरी बाबा जी को। उनका नंबर है +91 9950524526। तो अभी कॉल करें या फिर व्हाट्सएप करें। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कैसे आप गाय के दूध से किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। जी, हमारे शास्त्रों में गाय का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। गाय को हम सब माता के समान मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। वेदों में गाय की महत्वता के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। गाय के हर उत्पाद की अलग अलग महत्वता है। गाय के गोबर में लक्ष्मी, गौमूत्र में भवानी, चरणों के अग्रभाग में आकाश चरित देवता, रंभाने की आवाज में प्रजापति और थनों में समुद्र प्रतिष्ठित है। मान्यता है कि गाय के पैरों में लगी हुई मिट्टी का तिलक करने से तीर्थ स्थान का पुण्य मिलता है। तो अगर आप भी गाय के दूध से वशीकरण करते हैं तो आपके जीवन की कई समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। जी हाँ, आज हम आपको बताते हैं कि किसी को आप अपने वश में करने के लिए भी गाय के दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको गाय का कच्चा दूध, जिसको वश में करना चाहते हैं, उसकी तस्वीर और शहद चाहिए। शनिवार के दिन इसे करें। किसी भी शनिवार को उस व्यक्ति का फोटो अपने सामने रखें और एक गिलास गाय का कच्चा दूध उस तस्वीर पर डाल दें। पूरी रात उस फोटो को गाय के दूध में डूबे रहने दें। अगले दिन जिसका वशीकरण कर रहे हैं उसको याद करते हुए उस दूध में शहद मिलाकर थोड़ा सा पी लें और बाकी किसी पीपल के पेड़ में डाल दें। इस तरह से आपको तुरंत ही परिणाम मिलेगा और आपका प्रेमी या प्रेमिका आपके वश में हो जाएगा। तो दोस्तों, अपनी किसी भी समस्या के समाधान के लिए तुरंत कांटेक्ट करें राधेश्याम अघोरी बाबा जी को। उनका नंबर है +91 9950524526। तो अभी कॉल करें या फिर व्हाट्सएप करें।